हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? अक्सर मैं आपके सामने हमेशा नोटिफिकेशन का हवाला लाता हूं, हमेशा वो क्वेश्चन लाता हूं जो कमेंट बॉक्स में लिखते हैं आप और सभी से रिलेटेड होते हैं। तो वही मैं आज लेकर आया हूं। जो मैं आज क्वेश्चन लेकर आया हूं वो आपके परीक्षा से संबंधित है, खासकर फॉर्म फिल करने से संबंधित है। ये कैसे नियम है और आप इसकी जानकारी आपको होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि आप मेरे कमेंट बॉक्स में ये लगातार प्रश्न पूछ रहे हैं, इसलिए मुझे ये वीडियो लाना पड़ा। तो मैं वो क्वेश्चन पढ़ देता हूँ सबसे पहले तो दोस्तों, कि मैं आज किसके आंसर देने वाला हूँ। जैसे कितने प्रतिशत तक फॉर्म चाहिए भरने के लिए बीएड और डीएड के लिए, यानी कि परसेंटेज क्या चाहिए बीएड और डीएड वालों के लिए, एक तो ये क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरा है, क्या हम एक से अधिक विषय में फॉर्म फिल कर सकते हैं, इसका ही मैं जवाब दूंगा। तीसरा है, बीकॉम वाले के फॉर्म फिल कर सकते हैं और किन किन विषयों में फॉर्म फिल किए जा सकते हैं। ये सबसे ज्यादा तो बीकॉम वालों के प्रश्न आ रहे हैं कि सर बीकॉम वाले क्या वर्ग दो में फॉर्म फिल कर सकते हैं, तो उसका भी मैं आंसर दूंगा। और आप किस किस सब्जेक्ट के साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं उसका भी मैं आंसर देने वाला हूं दोस्तों। तो अंत तक बने रहिए इस वीडियो के साथ। सबसे पहले तो दोस्तों मैं थैंक्स बोलता हूं आप सभी को कि आप मेरे वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं, लाइक्स कर रहे हैं और आपके कमेंट्स काफ़ी हौसला मेरा बढ़ा देते हैं, तो मैं वहां भी आपको रिप्लाई ही करता हूं। और अभी भी मैं आपको धन्यवाद दूंगा दिल से कि आप इतना प्यार और इतना सम्मान दे रहे हैं, तो इसी के वजह से मैं इतने अच्छे वीडियो बना पाता हूं दोस्तों। इसका पूरा श्रेय आप लोगों को जाता है दोस्तों। तो हम पहले ये पहला क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। इसमें लिखा है, कितना प्रतिशत नंबर चाहिए फॉर्म भरने के लिए बीएड और डीएड वालों को। इस नोटिफिकेशन में जैसे ही जारी हुआ था दोस्तों, तो मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड जो उसमें योग्यता मांगी थी वो मैंने बता दी थी। उसमें योग्यताएं बहुत सी दी हैं। अथवा का मतलब होता है या तो आप ऊपर वाली योग्यता पूरी करते हो, या फिर उसके जो नीचे पॉइंट दिया अथवा का, उसके बाद जो योग्यता पूछी गई उसको पूरी करते हूँ। तो हम दोनों योग्यता देख लेते हैं, उसमें परसेंटेज का क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले दोस्तों आप देखें, इसमें लिखा है जो भाग आ है, पॉइंट पढ़ रहा हूँ मैं योग्यता के अंतर्गत, कि संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष। संबंधित विषय में स्नातक, आप जिस विषय के टीचर का फॉर्म फिल करना चाहते हैं वो स्नातक में आपके पास होना चाहिए एज ए सब्जेक्ट। आपने 3 साल वो पढ़ा हो एज ए सब्जेक्ट, तो उसमें आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। फिर इसके बाद लिखा है, प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी आपके पास डीएड या डीएलएड होना चाहिए, उसके समकक्ष होने चाहिए। समकक्ष का मतलब कि विभिन्न राज्यों में डीएड या डीएलएड विभिन्न नामों से कराया जाता है, तो उसके समकक्ष उसे लिख दिया जाता है दोस्तों। तो इसमें कहीं भी परसेंटेज का हवाला नहीं दिया गया है। संबंधित विषय में स्नातक यानी डीएड डीएलएड वालों को परसेंटेज नहीं मांगी गई है, आपसे सिर्फ ग्रेजुएशन मांगी गई है। आपने ग्रेजुएशन पास की है, बस इतना काफी है, आपसे परसेंटेज नहीं मांगी गई। तो आप परसेंटेज के भंवर में तो उलझे ही नहीं, क्योंकि आपके जो कमेंट्स आ रहे हैं मेरे पे वो आ रहे हैं कि सर हमारे 42% है, हमने डीएलएड किया है कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं, सर हमारे 39% है, हमने डीएड किया है कि हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो इसमें परसेंटेज तो कहीं मांगी ही नहीं गई, सिर्फ स्नातक मांगा गया है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ दोस्तों ये नियम, संबंधित विषय में स्नातक उपाधि तथा प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा अथवा उसके समकक्ष। कहीं भी परसेंटेज का जिक्र नहीं है, तो परसेंटेज नहीं मांगी गई है जिन्होंने डीएड या डीएलएड किया है उनके लिए, तो वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। अथवा उसके नीचे जो परसेंटेज का हवाला दिया गया, अब मैं उसे क्लियर करने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने दोस्तों। संबंधित विषय में कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक की उपाधि तथा शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक उपाधि बीएड, कोष्टक में बीएड लिखा हुआ है, तो जिनने बीएड किया उन्हें प्रतिशत मांगी गई है, उन्हें 50% नंबर चाहिए। अब यहाँ पर जिन्हें आरक्षण प्राप्त है उन्हें 5% की इसमें छूट दी गई है, यानी 45% तक वो फॉर्म फिल कर सकते हैं जिन्हें आरक्षण प्राप्त है, ऐसे 5% की छूट दी गई है। ये परसेंटेज किन्हें मांगी गई है, जिन्होंने बीएड किया है, ना कि डीएड वालों के लिए। तो बीएड किया है उन्हें 50% नंबर चाहिए, जिन्हें आरक्षण प्राप्त नहीं है, और जिन्हें आरक्षण प्राप्त है उन्हें चाहिए 45%, यानी 5% की उन्हें छूट दी गई है। तो यहाँ सब क्लियर है दोस्तों, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब आप कहोगे कि ऊपर उन्होंने डीएड या डीएलएड क्यों नहीं लिख दिया। यदि वो डीएड लिखते तो डीएलएड वाले कहते कि सर हम फार्म नहीं भर पाएंगे क्या, या डीएलएड लिखते तो वो डीएड वाले कहते कि सर हम फार्म नहीं भर पाएंगे क्या, जबकि डीएड और डीएलएड दोनों एक ही हैं, इनके नाम बदल दिए गए लेकिन है दोनों एक ही।
तो डीएड और डीएलएड में कोई अंतर नहीं है दोस्तों। तो इसमें साफ लिख दिया गया है प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, आपका डीएड या डीएलएड प्रारंभिक शिक्षा का डिप्लोमा ही कहलाता है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, आपको परसेंटेज की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल ध्यान से सुन लें कि डीएड या डीएलएड वालों को परसेंटेज नहीं मांगी गई है, बीएड वालों से मांगी गई है। हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। क्या एक से अधिक विषय में फॉर्म फिल कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इस बार ये नियम बनाया गया है कि आप एक से अधिक विषय में भी ये एग्जाम दे सकते हैं। अब ये नियम क्या है वो मैं आपके सामने पढ़कर सुना देता हूँ। पेज नंबर 1 पर है, टिप्पणी में है ये नियम। आवेदक अपने आवेदक पत्र में परीक्षा हेतु एक से अधिक विषयों का विकल्प भर सकता है, जिसके लिए प्रति प्रश्न पत्र अनुसार परीक्षा शुल्क दी होगी। यानी आपको अलग से परीक्षा शुल्क देनी होगी। आप फॉर्म फिल कर सकते हैं एक से अधिक सब्जेक्ट के साथ। तो ये नियम क्लियर हो गया। अगला देखें दोस्तों, तो बीकॉम वालों ने पूछा कि वर्ग 2 के फॉर्म फिल होंगे कि नहीं होंगे, हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और साथ में ऐसे भी क्वेश्चन आए जो पूछ रहे हैं कि सर इसमें विषय कौन कौन से हैं, हम किन विषयों के अंतर्गत फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं आपको ये तथ्यों के आधार पर क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा और साथ में आपको वो नियम की कटिंग भी दिखाता चलूंगा। तो दोस्तों चले हम, तो इसमें आप नोटिफिकेशन की बात करें तो पेज नंबर 5 पर जाएंगे, वहां पर स्पष्टीकरण डरा हुआ है। स्पष्टीकरण के अंतर्गत एक पॉइंट है वो मैं आपके सामने पढ़ देता हूं। तो पॉइंट खा है, इसमें आप जाएंगे पेज नंबर 5 के अंतर्गत पॉइंट खा, खा के अनुसार आदेश क्रमांक F01-119/2018-20-1 दिनांक 28/8/2018 निर्देश के अनुसार मेरिट सूची तैयार होगी। यानी एक आदेश निकला था, ये उसका क्रमांक है और ये आदेश निकला था 28/8/2018, इस पर मैंने एक आपको वीडियो डाला था और आप उसमें कंफ्यूज हो गए थे कि सर ये नोटिफिकेशन नहीं है। मैंने भी ये कहा था ये नोटिफिकेशन नहीं है, आदेश है। तो वो आदेश का हवाला यह दिया गया, उसी के अनुसार आपका सब काम होना उस आदेश पर। तो हमें ये जानने के लिए कि बीकॉम वाले फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं भर सकते, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, उस आदेश पर जाना होगा। तो हम आपको उस आदेश के अंतर्गत ले चलते हैं। तो जो आप आदेश देख रहे हैं ये उसकी कटिंग है और ये आपको एमपी एजुकेशन पोर्टल पर मिल जाएगा। आपको जाना होगा एमपी एजुकेशन पोर्टल पर, वो 28/8/2018 का ये आदेश है, तो आप देख सकते हैं। इसके अनुसार हम चलते हैं। इस आदेश में जो लिखा है वो मैं आपको पढ़कर सुना देता हूँ। ये है पेज नंबर 2 पर, जो मैं पॉइंट पढ़ने जा रहा हूँ पेज नंबर 2 पे, और पॉइंट है 1.2, यानी 1.2 पॉइंट का ये पॉइंट है। तो ये आदेश है, तो मैं आपको इसका क्लियर कर देता हूँ दोस्तों। तो इसमें लिखा है आदेश के अनुसार कि माध्यमिक विद्यालय में अध्यापन कार्य हेतु किए जाने वाले माध्यमिक शिक्षा की पात्रता परीक्षा विषयवार होगी, है ना, विषयवार होनी है। तो इसमें आप सब्जेक्ट लेंगे इसलिए विषयवार होगी। अब इसमें परीक्षा को 4 भागों में बांटा गया है, यानी 4 श्रेणियों में सब बांट दिया गया। अब मैं आपको वो बताता हूँ कौन सी श्रेणी है। एक तो गणित यानी मैथ, विज्ञान यानी साइंस, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस, भाषा, भाषा के अंतर्गत आपके हिंदी, उर्दू, संस्कृत और इंग्लिश, ये 4 भाषाएं। ऐसे इसमें 4 सब्जेक्ट डिवाइड किए गए हैं। मैथ है इसमें, इसमें आपके विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है और भाषा है। अब इसके अंतर्गत आप फॉर्म फिल करेंगे। यानी बहुत से भाई बहनों ने बीएससी की होगी, बीए किए होगा, बीकॉम, तो उसके अंतर्गत ही ये बांटे गए हैं। और बहुत से भाई बहन जो हैं वो बीए में लैंग्वेज ले लेते हैं, चाहे हम उर्दू की बात करें, संस्कृत की बात करें, इंग्लिश की बात करें, हिंदी की बात करें। तो गणित के अंतर्गत कौन कौन फॉर्म फिल कर सकते हैं? गणित विषय के अंतर्गत अभ्यर्थी को गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। अथवा लगा हुआ, यानी एक में से किसी भी विषय में आप स्नातक हो तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो। इसके अंतर्गत फिर से पढ़ देता हूँ दोस्तों, ध्यान से सुनना। गणित अथवा भौतिक शास्त्र अथवा इंजीनियरिंग, इन विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। ये हो गया आपका मैथमेटिक्स यानी गणित। अब हम चलते हैं साइंस यानी विज्ञान। विज्ञान विषय के अंतर्गत रसायन शास्त्र, वनस्पति विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बायोफॉर्मेटिक्स में से इन्हीं 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना होगी। यानी आपको 2 विषयों के साथ स्नातक उपाधि धारित करना होगा, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आर्ट्स यानी कि
सामाजिक विज्ञान के विषय के अंतर्गत। तो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हैं इतिहास, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल, समाज शास्त्र एवं वाणिज्य। वाणिज्य माने बीकॉम वाले। तो वाणिज्य विषयों में से किसी एक विषय के साथ स्नातक उपाधि धारित करना अनिवार्य है। आप इनमें से किसी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के साथ स्नातक उपाधि धारित कर रहे हैं तो आप इस योग्यता में आ जाते हैं और फिर कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ मुझे लगता है कि कोई कन्फ्यूजन की जरूरत ही नहीं है, कोई आवश्यकता ही नहीं है, जहाँ पर बी कॉम वाले कन्फ्यूज हो रहे हैं कि सर हम फार्म फिल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, जबकि आपकी सोशल स्टडीज के अंतर्गत जगह आ चुकी हैं दोस्तों। और देखा जाए तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं नियम अनुसार जो इसमें लिखा है। हम वाणिज्य माने कॉमर्स ही होता है, तो वो सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आया हुआ है इसमें, जो कि मैं आपको नियम अभी पढ़कर बताया वो डला हुआ है। और डीएड वाले कन्फ्यूजन चल रहा है, डीएलएड का कन्फ्यूजन चल रहा है, आप पूछ रहे हो, परसेंटेज भी डाल रहे हो कि सर हमारी इतनी कम है, उसमें 50 मांग ली गई है, तो आप कन्फ्यूज कैसे हो गए मुझे पता नहीं है, कहाँ कन्फ्यूजन में आप चलेगा, जबकि इसमें स्नातक मांगा है डीएड या डीएलएड वालों से, परसेंटेज तो मांगी नहीं गई, फिर भी आप क्यों कन्फ्यूज हो रहे हो मुझे समझ नहीं आया। और जहाँ बीएड वाले हैं उनसे परसेंटेज मांगी गई है, 50% उनके नंबर होने चाहिए, और जिन्हें आरक्षण है उन्हें 5% की छूट दी गई है 45%। तो दोस्तों ये वीडियो मुझे लाना पड़ा, लेकिन मुझे लगा कि मैंने जो पिछला वीडियो डाला है उसी से काम चल जाएगा आपका, उसमें मैंने शुरू में क्लियर कर दिया था सब बात, फिर भी आप कन्फ्यूजन में चले गए क्योंकि आपके कमेंट्स लगातार रोटेट होते 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 वही आ रहे हैं। जैसे डीएड वाले कह रहे हैं कि सर फॉर्म फिल नहीं हो रहा, हमारी परसेंटेज कम है, तो कहाँ परसेंटेज मांगी गई है आप कमेंट बॉक्स में लिखें यदि आपको कन्फ्यूजन है, या फिर नियम आप सही से नहीं जान पाए या सही से नहीं पढ़ पाए, कहाँ कन्फ्यूज हो गए मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं क्योंकि सीधे सीधे भाषा में दर्शाया गया है, इसमें ऐसा भी नहीं कोई घुमा के बात कही गई हो, इस नियम में सीधे से आपको बताया गया है। और अब मैंने शायद क्लियर कर दिया है तो आपके बहुत से कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे दोस्तों। अब रहा बुक्स को लेकर काफ़ी कन्फ्यूजन चल रही है दोस्तों, तो मैंने अपने फेसबुक पेज अतुल कुमार शर्मा 09, यानी आपको गूगल पर या अपने फेसबुक पर टाइप करना @AtulKumarSharma09, तो वर्ग दो की सबसे अच्छी बुक्स डाली, यदि आप उन्हें मंगा लेंगे, और जिन्होंने मंगा लिया है वो तैयारी में लग गए हैं तो आप मंगा सकते हैं, मैंने वहाँ पे अमेजोन की लिंक शेयर कर दी, ऑनलाइन मंगा सकते हैं और बुक्स भी काफ़ी सस्ती मिल रही है अमेजोन पर, कम से कम 20-50% तक डिस्काउंट दे रहे हैं वो, यानी 400 की बुक्स है वो 200 रुपये में आ रही है। तो दोस्तों कन्फ्यूजन कहाँ पैदा हो रहा है, क्यों कन्फ्यूज हो रहे हो आप, जबकि ये तो कन्फ्यूज नहीं, मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि जगह बहुत कम है जैसे आप जानते हैं, तो इसमें कन्फ्यूजन में आप चले गए तो फिर दिक्कत आ जाएगी दोस्तों। तो बुक्स की भी कन्फ्यूजन ना करें, मैंने अलग अलग विषयों की बुक्स डाल दी है और आपका जो सब्जेक्ट अनिवार्य है उसकी भी अच्छी बेस्ट बुक्स डाल दी हैं, तो उन्हें आप मंगा लें तो कन्फ्यूजन पूरी तरह से हट जाएगा। तो दोस्तों ये जो भी कन्फ्यूजन है आपके मन में बिल्कुल हटा दें, और आप फिर से कमेंट्स करें, आज ये वीडियो बना इसमें कमेंट करें कि सर अभी भी हमें ये बातें समझ में नहीं आई, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा और पूरी तरीके से आपका कन्फ्यूजन दूर करने की कोशिश करूंगा। बुक्स तो आप मेरे फेसबुक पेज से मंगा ही सकते हैं, तो प्लीज़ मंगा लें। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जिन भाई बहनों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं अक्सर ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ। अभी मैं नोट्स भी लाने वाला हूँ वर्ग दो के और वर्ग एक के, तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों।